सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी की जांच अभी भी जारी है। वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ कर रही है। सोमवार को ईडी ने पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती के सीए यानी कि रितेश मोदी को बुलाया। बता दें कि रिया के सीए रितेश मोदी से ईडी आज पूछताछ कर रही है। रितेश मोदी से रिया चक्रवर्ती की फाइनेंस इनकम और खर्चों के बारे में पूछा जाएगा। ईडी अब तक सुशांत सिंह राजपूत केस में कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें रिया और उनकी फैमिली के साथ बहन मीतू सिंह, एक्टर एक्स बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, फ्लैट में सिद्धार्थ पिठानी का नाम शामिल है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया पर उनके बेटे के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। अब ईडी इस बात का पता लगा रही है। इसके अलावा सीबीआई भी सुशांत केस में की जांच में जुट चुकी है। वो कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। सीबीआई अपनी जांच को लेकर अभी भी चुप बैठी है। दूसरी तरफ सुशांत के केस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला तय करेगा कि इस केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर सीबीआई। हर किसी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। सोशल मीडिया पर लगातार सुशांत के केस पर सीबीआई जांच की मांग बढ़ती जा रही है। तो ये है पूरी खबर सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर कि आज सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर फिर से रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी से ईडी सवाल जवाब करेगी, जिसमें कई बड़े खुलासे होंगे और रिया चक्रवर्ती से जुड़े कई सच ईडी के सामने आएंगे। नेक्स्ट लाइव सुरजनी की रिपोर्ट।